जब आपने कभी अपलोड ही नहीं किया था, आपके दोस्त यारों कैसे पता चला कि आपको ये चीज़ भी आता है, वो वाला आर्ट भी आता है, डिजिटल पेंटिंग भी आता है, पेंसिल पोर्ट्रेट हो, कैनवस पेंटिंग हो, वगैरह वगैरह। कुछ काम मैं अपलोड नहीं करता क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं यार इतना पर्सनल चीज़ है वो अपलोड मत करो, तो मैं अपलोड नहीं करता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुखमय बाग है और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। आज के उनके लिए जो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब कि वो कोई लॉटरी वाला सिस्टम नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया में अगर आप देखोगे कि पोर्ट्रेट का चाल चलन बहुत ऊपर है, अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना आता है तो आप आर्टिस्ट हैं, आपको नहीं आता है तो आप आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा लोगों के माइंड में आता है थॉट। तब इसके अलावा कैसे पैसे कमा सकते हो? आपको रेगुलर बहुत पोस्ट करना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा। आपको कुछ आता है जैसे कि पेंटिंग बनाना, आप पेंटिंग में क्या कैटेगरी में आपको बना सकते हो? पोर्ट्रेट तो बहुत कॉमन है, पोर्ट्रेट डाल सकते हो अगर शुरुआत आपको कर रहे हो तो। जैसे कि अगर पेंसिल शेडिंग आपको आती है, बनाओ, डालो, दो तीन दिन में अपलोड करते रहो। इससे दो चीज़ का बेनिफिट होगा, पहला कि आपका ग्रो होता रहेगा हर मीडियम में। जैसे आपको पेंसिल शेडिंग पसंद है तो आपको कम से कम ये पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आपको वो ऑब्जर्वेशन आपको बढ़ेगा। दूसरा, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, जो रीच होगी ना लोगों तक पहुँचने की, वो आपको बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर रेगुलर पोस्ट करोगे तो लोग जानने लगेंगे। मगर मैंने पोर्ट्रेट बहुत पहले ही करता था, अभी भी करता हूँ जब रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि रेगुलर तो आता नहीं है और जब भी आता है मैं बनाता हूँ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? वॉल आर्ट है, वॉल पेंटिंग अगर आता है तो आपको पता है कि कैसे कमाना है या कैसे करना है। आपको नहीं आता है तो कैसे करोगे? घर की वॉल से शुरू करो, बहुत चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा आपको। इस वॉल के साथ कुछ बनाते हो तो आपको पता लगे टाइम कितना लगेगा आपको बनाने में, दूसरा कितना कलर की खर्चा हो रहा है, कलर की कॉस्टिंग कितनी लग रही है, तब सामने वाले क्लाइंट से कितना मांग सकते हो, अपना जो तुम्हारा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है, तो उस पर अपना चार्जेस बोल सकते हो। एक और है डिजिटल पेंटिंग। आज की डेट में डिजिटल पेंटिंग बहुत ग्रो हो रहा है, मतलब कि लॉकडाउन में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। लोग जो नहीं भी करते थे वो भी करने लगे, स्कल्पचर आर्टिस्ट हो, पेंटिंग हो, क्योंकि ये इनकम सोर्स बहुत सही देता है घर बैठ के। इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है, एक टैब का यूज़ करना होता है, पेन टैब, कीबोर्ड, माउस सिस्टम जो होता है, इसमें आप फोटोशॉप में पेंटिंग बनाइए, अपलोड करें। मैंने बनाया था, पुराना है कुछ, सात आठ महीने पहले का। ये फ्रेंडली मैंने बनाया था, जब मुझे थॉट आया था कि मैं भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोचा मैं अपना को क्यों ना दिखाऊँ इस आर्टवर्क में। अपना फेस बनाया था, अपना फेस नहीं मतलब सिंबॉलिक बनाया था मैंने, थोड़ा आगे दिखा रहा हूँ, अब बाद में अपनी वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। ये ऐसा कुछ आर्टवर्क है। जब मैं अपना पोर्ट्रेट अपलोड कर रहा था तो माइंड ये था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अपना काम डालूँ, तो यही कॉन्सेप्ट देखकर किसी ने मुझे लिंकिन से मैसेज किया। लिंकिन में मैंने काम डाला तो वहाँ से मैसेज आया कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा सही कॉन्सेप्टली बनाते हैं, तो आप हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे। तो उस लॉकडाउन में मुझे काम मिला था, तो ऐसे करके मुझे धीरे धीरे काम मिलना चालू हुआ। तो अगर आप काम चाहते हैं तो अपने अंदर जो है, मतलब अगर डिजिटल पेंटिंग हो, पोर्ट्रेट हो, वॉल आर्ट हो, उसमें एक्सप्लोर करें, शुरुआत तो करें, तभी तो काम मिलना शुरू होगा। जब तक पोस्ट ही नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको काम आता है? एक और काम दिखाता हूँ अभी। ऐसे वॉल पेंटिंग बहुत टाइम से मैं करता आ रहा हूँ, मैंने ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड नहीं किया था, ग्रुप के साथ मैंने काम किया था। तो मैंने 5 महीने पहले लॉकडाउन में ये काम शुरू किया था। ये थोड़ा सा पहले ऐसा बॉल मेरा दिखता था जो पीछे की साइड है, तो अब ऐसा बॉल दिख रहा है, अभी ऐसे दिख रहा है बॉल। तो कैसे किया मैंने, चलो देखते हैं। और ये लॉकडाउन में शुरू किया था ये काम, वॉल पेंटिंग बनाना, तो काफी लोगों को पसंद आया, तो काफ़ी रीच बढ़ी इस चीज़ की, तो ये ग्रो हुआ। इसके थ्रू मुझे और काम मिलने लगे, इसके थ्रू मेरे को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में टाइप किया कि ऐसे कोई इवेंट करवाना है, डूडलिंग आर्ट आप करते हैं
उसका करते हैं। ये धीरे धीरे मेरा डेवलप होने लगा, फिर मैंने जो भी जहाँ भी इवेंट करता था अपलोड करने लगा। फिर DSK ने मुझे बुलाया वॉलेट के लिए, तो ये काम काफ़ी लोगों ने पसंद किया, ये वाला काम। मेरा दिखाने का मोटिव यही है कि आप पोस्ट करोगे तभी आपको काम मिलेगा, मतलब लोगों को दिखेगा तभी तो आपको रीच बढ़ेगी ना ऑडियंस की। हाँ, क्लाइंट मिलेंगे। जब आपने कभी अपलोड ही नहीं किया तब आपके दोस्तों यारों कैसे पता चले कि आपको ये चीज़ भी आता है, वॉल आर्ट भी आता है, डिजिटल पेंटिंग भी आता है, पेंसिल पोर्ट्रेट हो, कैनवस पेंटिंग हो, वगैरह वगैरह। कुछ काम मैं अपलोड नहीं करता क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं यार इतना पर्सनल चीज़ है वो अपलोड मत करो, तो मैं अपलोड नहीं करता। अपने पोर्टफोलियो के लिए तो बना सकते हो ना, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से काम बनाओ, अपलोड करो, और इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप पे लगाओ, यूट्यूब में चैनल बना के अपलोड करो, तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अब चाहते हो कि मैं अब स्केचिंग से बनाऊँ या कुछ और रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो नए हैं जो अपने फील्ड में ग्रो करना चाहो वो ऐसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल काम इम्प्रूव करें फिर अपलोड करें, फिर लगता है कि ये काम में दम है, अपलोड करने लायक है तो कर दो अपलोड। तो लोगों से पसंद आने से पहले खुद को पहले पसंद आना चाहिए ना काम। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको पता ही है प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए। शुक्रिया।